हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत जल्द गोल्डबर्ग एंड रोमन रेंस की फ्यूड देखने मिलने वाली है, एंड क्या द फीन चैलेंज करेंगे बॉबी लैशली को फॉर WWE चैंपियनशिप ऑन रॉ। दोस्तों, आज की रेसलमेनिया नाइट 2 हो चुकी है खत्म, और आज का जो नाइट 2 था वो काफी स्पेक्टेक्युलर था। अच्छे मैचेस एंड टाइटल चेंजेस हमें देखने मिले आज के नाइट 2 के इवेंट में। तो क्या रहा आज के नाइट 2 का रिजल्ट, प्लस क्या रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग की फ्यूड होने वाली है, एंड क्या फिंड हो सकते हैं बॉबी लैशली के नेक्स्ट चैलेंजर फॉर WWE चैंपियनशिप, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेस्टिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट रेसलमेनिया नाइट 2 के रिजल्ट्स के बारे में। फर्स्ट मैच, WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच, शेना बेसलर एंड नाया जैक्स ने हरा दिया है नटालिया एंड टमीना को और रिटेन कर लिए हैं उनके चैंपियनशिप। नेक्स्ट इज केविन ओवंस ने हरा दिया सैमी ज़ेन को, और फिर केविन ओवंस ने स्टनर दे दिया लोगन पॉल को। यहाँ पर दोस्तों, अपोलो क्रूज ने हरा दिया बिगी को और जीत लिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और ये था एक नाइजीरियन ड्रम फाइट। यहाँ पर हमें इंटरफेरेंस देखने मिला डाबा काडो का, और अब शायद लग रहा है कि डाबा काडो उनका नाम जो है वो शायद कमांडर अजीज हो गया है, क्योंकि WWE ने फाइल कर लिया है एक न्यू ट्रेडमार्क, तो वो अपोलो क्रूज के होंगे बॉडीगार्ड। नेक्स्ट इज रिया रिप्ली ने हरा दिया आस्का को और जीत लिया रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट इज रैंडी ऑर्टन ने हरा दिया द फीन्ड को, ये काफी ज्यादा शॉकिंग था। एंड इन द मेन इवेंट दोस्तों, रोमन रेंस ने हरा दिया एज एंड डैनियल ब्राइन को और जीत लिया ये मैच एंड रिटेन कर लिया अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ये मैच जीतने के लिए जेउस ने उनकी काफी मदद की, एज काफी क्लोज से जीतने के लिए, बट जेउस की वजह से रोमन रेंस ये मैच जीत गए, और रोमन रेंस ने डैनियल ब्राइन एंड एज को दोनों को एक साथ पिन किया। तो दोस्तों, ये थे नाइट 2 के रिजल्ट्स। अब दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जरूरी है नेक्स्ट पेपर व्यू से। आज रेसलमेनिया में WWE ने ये एडवर्टाइज किया कि मई 16 को होने वाला है बैकलैश पेपर व्यू, और दोस्तों, इस बैकलैश पेपर व्यू के लोगों से ऐसा लगता है कि ये जो पेपर व्यू है वो सिंपल बैकलैश पेपर व्यू नहीं होगा, ये होगा रेसलमेनिया बैकलैश। अब यहाँ पर कौन से मैचेस होते हैं और क्या होते हैं ये हमें पता चलेगा आने वाले रॉ एंड स्मैकडाउन में। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं द फीन्ड एंड बॉबी लैशली के फ्यूड के बारे में। दोस्तों, नाइट 1 में हमने देखा कि कैसे बॉबी लैशली ने हरा दिया ड्रू मैकइंटायर को और रिटेन किया अपना WWE चैंपियनशिप, और नाइट 2 में हमने देखा कि रैंडी ऑर्टन ने फीन्ड को हरा दिया है ड्यू टू अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एलेक्सा ब्लिस। अब दोस्तों, सभी जानने के लिए ये एक्साइटेड है कि बॉबी लैशली के नेक्स्ट चैलेंजर कौन होते हैं, और ये हमें पता चलेगा रॉ ब्रांड में। रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेव मेल्सर ने यह अपडेट दी है कि अगर ड्रू मैकइंटायर उनके ओपोनेंट नहीं होते हैं, अगर ड्रू मैकइंटायर को रीमैच नहीं मिलता है लैशली के सामने एट बैकलैश पेपर व्यू, तो ब्रॉक लेसनर तो नहीं आ सकते, क्योंकि बैकलैश पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर का आना मुश्किल है, और बॉबी लैशली हील होने की वजह से उनके सामने चाहिए एक बेबी फेस, तो वो हो सकते हैं द फीन्ड। और अगर फीन्ड होते हैं तो ये काफ़ी स्कैरी सिचुएशन होगी। दोस्तों, ये था कहना डेव मेल्सर का। आज तो फीन हार चुके हैं, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फीन एंड रैंडी ऑर्टन की एक और बार रीमैच होती है बैकलैश पेपर व्यू में, या फिर फीन डायरेक्टली चैलेंज करते हैं WWE चैंपियन बॉबी लैशली को, क्योंकि अभी फीन बन चुके हैं बेबी फेस। या तो आप कह सकते हैं कि रैंडी ऑर्टन एंड फीन के फ्यूड में फीन बेबी फेस ही थे जब से रैंडी ऑर्टन ने उन्हें चलाया था। अब यहाँ पर दूसरे भी कंटेंडर्स हैं लाइक ब्रॉन स्ट्रोमैन, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि बॉबी लैशली के नेक्स्ट चैलेंजर कौन बनते हैं, या फिर क्या ड्रू मैकइंटायर को ही मिलता है WWE चैंपियनशिप का रीमैच एट बैकलैश, या हमें देखने मिलती है एक धांसू फ्यूड इन द नेम ऑफ बॉबी लैशली वर्सेस द फीन्ड फॉर WWE चैंपियनशिप। सो लेट्स सी क्या होता है रॉ ब्रांड में। अब दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जरूरी है गोल्डबर्ग से। काफी सैड थिंग थी कि गोल्डबर्ग इस साल के रेसलमेनिया में नहीं थे, पर वो WWE के वॉच अलोंग के शो में प्रेजेंट थे, और वहां पर उन्होंने काफी कुछ रिवील किया इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर। और जब उन्हें पूछा गया था रिगार्डिंग द यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच, तभी गोल्डबर्ग ने अपना बोल्ड स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग रोमन रेंस। उन्होंने एज की काफ़ी तारीफ की, और रोमन रेंस के ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे रोमन रेंस से प्रॉब्लम है, वी हैव टू डू सम टॉकिंग। मतलब दोस्तों, गोल्डबर्ग इज नॉट डन विद रोमन रेंस। आपको पता है कि लास्ट ईयर इनकी मैच होने वाली थी
बट नहीं हो पाई। और गोल्डबर्ग को कैसे भी करके रोमन रेंज के साथ मैच चाहिए, उन्होंने ये इस इंटरव्यू के द्वारा कह दिया है और एक हिंट दी है अ पॉसिबल मैच की इन द नियर फ्यूचर, एंड शायद वो हो भी सकती है फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। वो इसलिए क्योंकि रोमन रेंज ने आज डैनियल ब्रायन एंड एज को हरा दिया है और रिटेन कर लिया है अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर हमें गोल्डबर्ग एंड रोमन रेंज की फ्यूड देखने मिलती है फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो वो कब होती है, क्योंकि गोल्डबर्ग जो है वो बोल्ड स्टेटमेंट देते ही रहते हैं रोमन रेंज के ऊपर। सो लेट्स सी कब होती है फ्यूड और कब देखने मिलती है ये हमें ड्रीम मैच। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगे हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसे लगा नाइट टू ऑफ रेसलमेनिया, सेकंड आप किसे देखना चाहते हैं बॉबी लैशली के नेक्स्ट चैलेंजर फॉर WWE चैंपियनशिप एट बैकलैश पे पर व्यू, एंड थर्ड आप कितने शौक हुए रोमन रेंज की ऐसी विक्ट्री देखकर, एंड फोर्थ क्या आप गोल्डबर्ग एंड रोमन रेंज की फ्यूड बहुत जल्द देखना चाहते हैं। सो गाइस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।